हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीके टेक्निकल हैक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं ट्यूटोरियल कि आप डायनेमो गेमिंग और कैरीमिनाटी की तरह लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक एंड्रॉयड से लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं और आपके पास पीसी नहीं है तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। हमारे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी आप इसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट के 32 सेकेंड्स में दिखाया है जो कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग की स्टार्ट होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जो कि है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर यानी कि OBS। उसकी डाउनलोडिंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं सारी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जितनी भी मैंने इस ट्यूटोरियल में यूज़ की हुई है। सो फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इसको डाउनलोड कर लेना है और फिर जाना है अपने YouTube के डैशबोर्ड पे। YouTube के डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको जाना है अपने लाइव स्ट्रीमिंग वाले सेक्शन में। वहाँ पे आपको जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग की मिल जाएगी, आपको उसे रिवील करके कॉपी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद फिर आपको वापस आना है अपने OBS में और आपको जाना है सेटिंग्स में। सो फ्रेंड्स, OBS की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्ट्रीमिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा जो भी आपको सेकेंड नंबर पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको स्ट्रीम की अपनी पेस्ट कर देनी है और पेस्ट करने के बाद आपको फिर बैक करना है और अब आपको यहाँ पे सोर्स और सीन क्रिएट करने होंगे। सो फ्रेंड्स, पहला सोर्स यहाँ पे आपका क्रिएट पहले से ही होके मिलेगा जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। सो फ्रेंड्स, फिर आपको सोर्स के प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको मीडिया सोर्स में जाना होगा। मीडिया सोर्स में जाने के बाद आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें, बस आपको दो सोर्सेस के नाम एक जैसे नहीं रखने हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंस इसमें कर देना। फिर आपको ब्राउज करके आपको उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ पर ये सारी फाइल सेव हों, और अगर आपको ये सारी फाइल्स डाउनलोड करनी है तो सबका लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ओपन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिख जाएगा, आपको ड्रैग करके इसको बड़ा करना है फुल स्क्रीन पे। फिर आपको मीडिया सोर्स पे जाना है, अब आपको यहाँ पे टाइमर लगाना होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ टाइमर, और फिर आपको वही पूरा प्रोसेस फिर से आपको करना है, ब्राउज करके अपने टाइमर को ले आना है अपनी स्क्रीन पे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद आपका टाइमर आ जाएगा स्क्रीन पे। आपको ड्रैग करके इसको कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेट कर दिया है इसको राइट के बॉटम कॉर्नर पे, और फिर इसके बाद आपको सीन सिलेक्ट करना होगा। अब मैंने इसका सीन का नेम दे दिया है इंट्रो, अब आपको लगाना होगा यहाँ पे इंट्रो। तो फिर से आपको यहाँ पे नेम दे देना है जैसे कि मैंने इंट्रो दे दिया है, और ओके करने के बाद ब्राउज करके आप अपने फोल्डर से इसको ओपन कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना होगा, फिर ड्रैग करके इसको फिट टू स्क्रीन करना होगा, और स्क्रीन में फिट करने के बाद आपको फिर आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सीन बना लेना है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ स्ट्रीम पबजी नाम का। सो फ्रेंड्स, सीन की नेमिंग के टाइम में आपको ये ध्यान रखना होगा कि दो सीन्स के नेम सेम ना हो बस, और आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं सीन का। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए, और फिर अपने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे इमेज जो कि जैसे कि कैरीमिनाटी का ऊपर आता रहता है कैरी इज लाइव, ऐसे ही आपको कुछ अपनी PNG इमेज क्रिएट कर लेनी है, और फिर आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं, और फिर आपको ब्राउज करके उस PNG इमेज को ओपन कर लेना होगा, और फिर आपको उसको फिट टू स्क्रीन करना होगा, फिट करना होगा अपनी स्क्रीन पे जितना भी बड़ा आपको रखना है। मेरा कुछ ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके अपने फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके अपनी स्क्रीन के टॉप पे इसको लगाता हूँ।
सो फ्रेंड्स, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, इसे फिट करने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा सोर्सेस के, और अब आपको यहाँ पर विंडो कैप्चर के ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। इससे आपकी जो विंडो होगी वो कैप्चर होगी, और जैसे ही आप पबजी खेल रहे होंगे वो सारा आपका लाइव स्ट्रीमिंग में जाएगा। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको फिर से इसको फिट टू स्क्रीन कर देना है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको सारी की सारी वीडियोस को फिट टू स्क्रीन कर देना होगा, और अब आपकी जो PNG इमेज है उसको आपको ऊपर कर देना है सोर्सेस में। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो फाइल आपकी ऊपर होगी वही पहले डिस्प्ले होगी, और उसके बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। और अब मैं बताता हूँ कि आपको अलर्ट्स कैसे सेट करने हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रीम लैब्स की साइट पे जाना होगा और उसमें आपको साइन अप करना होगा। सो फ्रेंड्स, इसकी साइट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसमें साइन अप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे अलर्ट बॉक्स का ऑप्शन दिख जाएगा। अलर्ट बॉक्स के ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा URL को। फिर जाना होगा अपने OBS में, और यहाँ पे आपको एक और सोर्स पे जाना होगा, और अब यहाँ पे आपको ब्राउज़र पे क्लिक कर देना होगा। ब्राउज़र आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाएगा, और अब यहाँ पे आप अलर्ट्स नाम दे दीजिए। सो फ्रेंड्स, एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि मेक सोर्स विजिबल पे आपका टिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको टिक कर दीजिए, और उसके बाद आपको ओके कर देना होगा। और अब आपको यहाँ पे URL जो दिया गया है इसको आपको इरेज करके अपना URL पेस्ट कर देना होगा, और इतना करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपको इसको सेंटर पे कर दीजिए, या फिर जहाँ भी आपको अलर्ट्स लगाने हैं वहाँ आप लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये सही से काम वर्क कर रहा है या नहीं, और अलर्ट्स को सबसे ऊपर आपको रखना है या फिर से रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसे चेक कर रहा हूँ, तो आपका कुछ अलर्ट्स ऐसा आएगा, अगर कोई आपको सब्सक्राइब करेगा तो भी ऐसा आएगा, डोनेशन देगा तो भी ऐसा ही आएगा। अगर आपको ये इसके कुछ टेम्पलेट्स चेंज करने हैं, यानी कि ग्राफिक्स आपको यहाँ पे डायनमो गेमिंग की तरह रखने हैं, तो आप स्ट्रीम लैब्स की साइट में जाके इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारी जो टोटल सीन है वो कैसा क्रिएट हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इसे कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आप देख सकते हैं कि टोटल आपकी स्ट्रीम कैसे चलेगी, और आपको सीन जंप करने के लिए आप शॉर्टकट की से भी आप सीन जंप कर सकते हैं, तो वो आपको सेटिंग्स में सारा का सारा मैटर देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप कोई सवाल हैं या फिर आपको कोई कमेंट्स करना है अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसे टाइप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठ।